ओम शांति। शंकर पार्टी का प्रश्न है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ईश्वरीय कैसे है? विशेष 1969 के बाद वो ईश्वरीय कैसे कहलाती है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एकलौता इस पृथ्वी पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जहां स्वयं 18 जनवरी 1969 को जब ब्रह्मा बाबा ने ये व्यक्त शरीर छोड़ा, तभी परमपिता परमात्मा ने आकर समझाया कि ब्रह्मा बाबा कहीं गए नहीं है, केवल कमरा और कपड़ा चेंज किया है, क्योंकि इस वृद्ध तन से सारे विश्व की सेवा नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने इस सूक्ष्म शरीर से सारे विश्व की सेवा करनी है। बच्चों के मन में प्रश्न था कि बाबा पहले कैसे चले गए, उसका भी जवाब दिया कि बाबा कहीं गए नहीं हैं, साथ रहेंगे साथ चलेंगे, जो वायदा था वो वायदा पूरा करेंगे। ये परमपिता परमात्मा ने आकर स्पष्ट किया था। सूक्ष्म वतन का राज भी खोला कि सूक्ष्म वतन इसी अव्यक्त वतन बनाओ, सूक्ष्म वतन बनाओ, इस व्यक्त वतन को अव्यक्त वतन या सूक्ष्म वतन बनाओ और दादी गुलजार के तन से आकर संदेशी के माध्यम से मैं बच्चों से मिलता रहूंगा। ये नहीं है कि 18 जनवरी 1969 तक परमात्मा पढ़ाते रहे और उसके बाद पढ़ाना बंद कर दिया, और ये भी स्पष्ट किया कि पढ़ाई वो थी जो मैंने इनके साकार तन से पढ़ाया था। और उसके बाद जो भी बातें होंगी, जो भी पढ़ाई होगी आगे की, मैं संदेशी के माध्यम से पढ़ाता रहूंगा। आध्यात्मिक पढ़ाई, आध्यात्मिक ज्ञान परमपिता परमात्मा ने ही आकर दिया। इससे पहले भी जब परमपिता परमात्मा ने आकर ज्ञान देना शुरू किया, तब इसे आध्यात्मिक ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ आत्मा का अध्ययन करना ही होता है। ये बात ठीक है कि कोई भी व्यक्ति उतना अच्छी तरह अध्ययन नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता, जब तक स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के ना समझाए। आत्मा की जानकारी हमारे ऋषियों ने, विद्वानों ने, संतों ने, महात्माओं ने अनुभव की,
लिखी, परंतु वो कंप्लीट नहीं हो सकी। अब परमपिता परमात्मा ने आकर यथार्थ ज्ञान दिया कि तुम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इन चर्म चक्षुओं से ना देखी जा सकने वाली आत्मा हो। तुम आत्मा ही कर्म करती हो, तुम आत्मा ही कर्म का फल भोगती हो, और मैं सारे संसार की आत्माओं का मार्गदर्शक हूं। संसार की एक एक आत्मा को प्रत्यक्ष या परोक्ष ये आध्यात्मिक ज्ञान लेना ही लेना है, जो आज लगभग 140 देशों में ले रहे हैं, बाकी जग देशों में भी गुप्त रूप से चल रहा है। यही एक ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहां सारे संसार की आत्माएं पढ़ती हैं, ज्ञान लेती हैं, सारे संसार की आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान की अंतली यहीं से मिलती है। इसलिए यही एक ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहां से सारे विश्व की आत्माओं के साथ साथ जो इस ज्ञान को भटकाने में लगे हुए हैं, वो भी वंडरफुल बात है कि मुरलियां यहीं से ही लेते हैं, चाहे वो शंकर पार्टी हो, चाहे वो विष्णु पार्टी हो, तो चाहे वो दशरथ भाई हो, पटेल हो, कोई भी हो, उसके बाद उस ज्ञान को उलट पुलट करके टेढ़ा मेढ़ा करके गुमराह करते हैं। अर्थ का अनर्थ करना उनका काम है। सिंपल, सीधा परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान सुना रहे हैं और सीधा उस ज्ञान को समझना है। अपनी मन मत मिक्स करके भेजना, अपनी मन मत मिक्स करके लोगों को गुमराह करना, ये उन आत्माओं का पार्ट है। वो जो करना चाहे करे, परंतु हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान से परमात्म ज्ञान को समझना है। ईश्वरीय ज्ञान इतना गुह्य है, इतना गुह्य है, जो एक बार मुरली पढ़ने से स्पष्ट नहीं होता। बार बार परमात्मा कहते ज्ञान को ले और उस ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान यहाँ मिलता है, इसे ईश्वरीय कहा जाता है। ओम शांति। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। आपका कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।